और अमित शाह जी के अभिभाषण से कौन सी ऐसी बातें निकल के आ रही है जो बिहार के विकास के लिए सक्रिय होगा, बिहार में बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए सक्रिय होगा, या बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए जो है सही माने में कितना सक्रिय होगा। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग जो है लौरिया के साहू जैन हाई स्कूल के प्रांगण में हैं और यहाँ पे जो है कल एक दिवसीय देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम होने वाला है सुबह 11 बजे, और आप देख सकते हैं कि उसी कार्यक्रम की जो है तैयारियां यहां पे जोरों शोरों से चल रहा है। बहुत सारी जो है यहां पे तैयारियां पूरी हो चुकी है, बहुत सारा तैयारी करना जो है अभी बाकी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि जरा वो घुमा के दिखाएंगे कि इस पूरे फील्ड में जो है कितनी जो है क्षेत्र में जो है यहाँ पे कार्यक्रम के लिए जो है आयोजन किया गया है, और यहाँ पे जो है कितने सारे लोगों को बैठने के लिए जो है व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि लगातार जो है बिहार में जब से बीजेपी की सरकार जो है सत्ता से गिरी है, तब से लेकर के लगातार जो है बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेता जो है बिहार के दौरा कर रहे हैं, क्योंकि बिहार जो है राजनीति का सबसे हव्य माना जाता है और कहीं ना कहीं बिहार जो है राजनीति में जो है अपना बहुत बड़ा योगदान देता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में बीजेपी थी पहले सरकार में, और जब से सरकार गिरी है तब से लगातार और खासकर चंपारण की धरती पर जो है लगातार इस प्रकार की कार्यक्रम जो है किया जा रहा है। आपको बता दें कि कल अमित शाह की यहां पे भव्य रैली होने वाली है और वे जो है यहां पे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, और तमाम सारे लोग और जनता जो है यहां पे आकर के उनकी अभिभाषण को सुनेगी। हाल के दिनों में अगर चाहे तो नीतीश कुमार जी जब से आरजेडी के साथ जो है दामन थामे हुए हैं, तब से अपोजिशन यानी कि बीजेपी के पार्टी जो है लगातार बिहार में बढ़ते क्राइम के ऊपर नीतीश कुमार जी के ऊपर जो है लगातार कटाक्ष करती आ रही है। और हाल ही में आप देखे होंगे कि यहाँ से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर नरकटियागंज, जहाँ लगातार हर 2 महीने के बाद जो है क्राइम हो रहा है, कई सारे व्यवसायियों को जो है रंगदारी के तौर पर धमकी भरी कॉले आ रही हैं। हालांकि यहां पे अधिकतर चंपारण में जितने भी विधानसभा है वहां पे सबसे ज़्यादा पकड़ बीजेपी के विधायकों का है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बीजेपी जब से सत्ता से बाहर हुई है तब से लगातार बिहार में जो है क्राइम बढ़ रहा है। अब यह किस वजह से हो रहा है इसके बारे में जो है किसी को भी पता नहीं है, लेकिन लगातार बढ़ते क्राइम को देखते हुए और जिस नरकटिया का जो क्षेत्र में जो है हर महीने किसी न किसी व्यवसायी को जो है गोली मारने की धमकी दी जा रही है, रंगदारी भले कॉले आ रही है, उसके बाद महज उस शहर से 15 किलोमीटर दूर पर अमित शाह जी जो हमारे देश के गृह मंत्री है उनका एक भव्य कार्यक्रम करना, यह जो है किस मायने में सही लगता है। हालांकि क्राइम रेट बिहार में जिस प्रकार से बढ़ा है और जिस प्रकार से जो है यहाँ से नज़दीकी शहर में क्राइम बढ़ रही है और लोगों को जो है व्यवसायियों को जो है रंगदारी भरे कॉले आ रही हैं और उनसे जो है रंगदारी और फिरौती के रुपया मांगे जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा को भी जो है जो मुख्य क्रिमिनल है उसने अपने नाम बताते हुए जो है उनको भी धमकी दिया कि अगर आपने इसमें कुछ दखलंदाजी किया तो आपका भी जो है अंजाम बुरा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहाँ से महज 10 से 15 किलोमीटर दूर पर इतनी बड़ी भव्य जो है गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का जो है रैली हो रहा है। और यहाँ पे देखिए कि तमाम सारी जो है तैयारियाँ चल रहा है, यहाँ पे पुलिस से और जो सेना के जवान हैं वे जो है प्रोटेक्शन के लिए पहले से यहाँ पे आ चुके हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे कल अमित शाह जी के आगमन से पहले किसी प्रकार की भी कोई चूक न हो उसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम सारे यहाँ पे जो है आला अधिकारी अभी कुछ देर पहले यहाँ से यहाँ के पश्चिमी चंपारण के DM कुंदन कुमार और SP जो है उपेंद्र नाथ वर्मा और तमाम लोकल SDM जो है यहाँ पे मुआयना करने के लिए आए थे, और वे यहाँ से मुआयना करके अभी जस्ट जो है वे गए हैं। हालांकि अब कल की जो है जो भी यहाँ पर तैयारियाँ हो रही है कल देखा यह जाएगा कि कितनी संख्या में जो है यहाँ पे लोग पहुँचते हैं और अमित शाह जी के अभिभाषण से कौन सी ऐसी बातें निकल के आ रही है जो बिहार के विकास के लिए सक्रिय होगा, बिहार में बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए सक्रिय होगा, या बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए जो है सही माने में कितना सक्रिय होगा। कल अमित शाह जी के अभिभाषण के बाद यह क्लियर हो जाएगा।
कैमरामैन विकास के साथ मैं पप्पू कुमार लौरिया परिवर्तन तक।